राहु केतु और शनि की कोई भी खराबी अगर आपको आ रही है, कुंडली में कोई भी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आपने ये तीन लौंग के टोटके जो है वो करने हैं। पहला, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है कि आपने एक गुलाब का फूल लेना है और साथ में आपने दो लौंग लेनी है, और इन दो लौंग को और गुलाब के फूल को आपने माँ दुर्गा के आगे आपने जो है माँ के आगे चढ़ा के आनी है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, घर में अगर रहता है हमेशा कलेश की स्थिति, तो आपने क्या करना है, आपने दो लौंग को पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपने घर के अंदर की तरफ किसी भी रूम में जहाँ पर ज़्यादा कलेश होता है उस रूम में कहीं पर भी टांग दीजिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और तीसरा उपाय आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, आपने हनुमान मंदिर जाना है और वहाँ पर आपने चमेली के तेल का एक दिया जलाना है और उसमें दो लौंग डालनी है और उसमें अपने हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करनी है, वहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़िए और उसके बाद देखिए आर्थिक तंगी से आप किस प्रकार से निजात पाते हैं।